आज कॉलेज की छुट्टी थी तो मैं पूरे दिन सोया हूँ, मूवी देखी है और अब मैंने सोचा चलो ब्लॉग बनाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉग नहीं बनाया अपनों ने। तो मैं घर के पास में एक नदी है, 500 मीटर पे एक नदी है, उधर आ गया हूँ। उसका नाम है इदोगावा रिवर। और आज का ब्लॉग जो है मैं जापान क्यों आया हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस नमस्कार, कोन्निचिवा, मेरा नाम है अक्षय और मैं रहता हूँ टोक्यो जापान में। तो मैंने कैसे जापनीज पढ़ना स्टार्ट करी इंडिया में, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। लेकिन पहले बताता हूँ कि कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहा है जापनीज लैंग्वेज, तो उसका एक सपना होता है कि अगर वो जापान जाए उसको एक बढ़िया जॉब मिल जाए। तो मैंने जब जापनीज पढ़ी तो मेरा ये सपना था कि बस मुझे N3 लेवल जो इंटरमीडिएट लेवल होता है वो क्लियर हो जाए और 50,000 की अपने को जॉब मिल जाए। तो 50,000 की जॉब मिल गई मतलब सब मिल गया, उस टाइम मैं यही सोचता था। लेकिन भगवान जो हम सोचते हैं उससे ज़्यादा देता है हमको, ऐसा होता है। तो मैंने खुद का इंस्टीट्यूट खोला जयपुर में, जिसको कि 8 साल हो चुके हैं, अभी भी बढ़िया चल रहा है। उसके साथ मैंने यूनिवर्सिटी में से प्रोफेसर पढ़ाया भी और एक कॉलेज में भी पढ़ाया, प्लस मैंने काफ़ी सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी करे। लेकिन मेरा था कि यार सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पैसा भी देखो ठीक आ रहा है, तो इस सब को छोड़ के जापान जाना एक बड़ा टास्क है। क्योंकि जैसे हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो उस टाइम तो बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, पैसा आना स्टार्ट होता है, वो सबको छोड़ के और वापस से स्टूडेंट लाइफ में जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरे वो ये एक्चुअल है कि यार अपने आप को चैलेंज देना है, कुछ नया करना है। तो इंडिया में मैंने BCom भी करा, MBA भी करा, लेकिन मेरे को ये देखना था जापान में कैसे पढ़ाया जाता है, मुझे जापान में पढ़ना था। लेकिन मैंने इतनी जापनीज पढ़ ली थी इंडिया में कि मेरा ये था जापनीज तो नहीं पढ़नी जापान जाके, मुझे जापनीज में कुछ पढ़ना है। तो हम लोगों का जापनीज लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट है JFL जयपुर करके, और हम काफ़ी सालों से बच्चों को जापान भेजते हैं, उनको सपोर्ट करना सारा। तो ऐसे ही एक दिन एक मेल आता है हमारे पास और TIBC करके टोक्यो इंटरनेशनल बिजनेस कॉलेज की तरफ से कि हम आप लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं कि आप हम लोगों को बच्चे दें। तो मैंने देखा यार ये कॉलेज तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसके कोर्सेज भी काफ़ी सही है। तो मैंने उनको बोला एक मीटिंग अरेंज करते हैं, एक मीटिंग अरेंज करी और उसमें मैंने कहा कि बच्चे तो मैं भेज दूंगा वो अलग बात है, लेकिन मुझे आप लोगों का कोर्स अच्छा लगा, मुझे आपके यहाँ पर पढ़ाई करनी है। तो मैं अभी जो कर रहा हूँ एक कोर्स, उसका नेम सेल्फ मैनेजमेंट करके है, वो 2 ईयर्स का कोर्स है, सेम लाइक MBA बट सब कुछ जापनीज में है। तो मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ता हूँ, मार्केटिंग भी पढ़ता हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ता हूँ, अकाउंट्स भी पढ़ता हूँ, बट ये सब होता है जापनीज में, तो बड़ा मज़ा आता है। तो मेरा सपना था ना कि यार मुझे जापान में पढ़ना है और देखना है कि क्या डिफरेंस है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में और जापान के एजुकेशन सिस्टम में। तो काफ़ी कुछ अभी सीखने को मिल रहा है और मुझे ये पता लग रहा है अभी कि जो जापान का एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी प्रैक्टिकल यहाँ पे पढ़ाया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में ज़्यादातर ये होता है कि रट्टाफिकेशन है और एग्ज़ाम भी इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे हमें बुक्स मिलती है लेकिन उस बुक्स को हम कभी खोलते नहीं है, पूरे साल ऐसी ऐसी रहती है, कभी यूज़ ही नहीं होती। क्योंकि जब भी कोई लेसन होता है तो टीचर्स आते हैं और वो खुद के नोट्स लेके आते हैं, बहुत प्रॉपर नोट्स, और प्लस वो प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स के थ्रू और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमें समझाते हैं कि यार अगर होंडा है, होंडा को अगर इंडिया में जाना है तो किस टाइप की उसको सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन से चैलेंजेस उसके पास आएंगे, या अगर होंडा जो है चाइना जा रही है तो उस टाइम अगर फॉल डाउन रहा उसका या कैसे उसने अपने आप को बैक ऑफ किया, ये सब एग्जांपल्स हमें पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि एक्स ले लो और वाई ले लो, प्रैक्टिकल जो जापनीज कंपनीज है आज पूरे वर्ल्ड के लेवल पे है, वो कैसे पहुंची, कैसे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और किस तरीके के आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में काफ़ी चीज़ें, इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी मज़ा आता है। हर चीज़ जापनीज में टफ होता है, मुश्किल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो मैटर है नाइयो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो मेरा मोटिव था कि यार जापान में पढ़ना है प्लस बिजनेस कनेक्शंस बनाने हैं। मेरे स्टार्टिंग से ये कि मेरे को जॉब नहीं करनी, चाहे वो 2 लाख की हो, 3 लाख की हो, 1 लाख की हो, 50,000 की, जॉब नहीं करनी अपने को। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि पढ़ाई तो कर ही रहा हूँ, नॉलेज इज़ पावर मेरा मानना है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पढ़ने से बहुत चीज़ें पता लगती हैं जो हमें नहीं पता यार। प्लस इसके साथ साथ हम 10 लोगों से मिलते हैं, 10 चीज़ें पता लगती है और ऐसे ऐसे आइडियाज़ पता लगते हैं जो हमें नहीं पता होता, उनको पता होता, तो वो लोग शेयर करते हैं, हम शेयर कर सकते हैं उनके साथ, वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और पता लगता है कि यार मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। और टोक्यो आपको पता ही है, मतलब यहाँ के अलग अलग कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आते हैं और फॉरनर्स बहुत सारे हैं, तो आपको एक चांस मिलता है अलग अलग लोगों से बात करना, अलग अलग लोगों से मिलना, तो बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़
अच्छी पैन में है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हो। तो मेरा ये है कि अभी पढ़ाई चल रही है, साथ साथ में बिजनेस कनेक्शंस बना रहा हूँ। मेरा ये कि यार कुछ बड़ा करना है अपने को, बड़ा इन द टाइप कि यहाँ की कोई टेक्नोलॉजी हम इंडिया में लेके आ सके, या इंडिया की कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं जापान में, उसके ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ। लेकिन अब एकदम क्लियर तो नहीं बता सकता, देखो बिजनेस है, हर एक चीज़ डिटेल में यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि बच्चों को जापान भेजने वाला बिजनेस तो चल ही रहा था, लेकिन उसको और एक्सटेंड कर दिया। बच्चे MBA करने भी यहाँ पे आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं, अगर उनको जॉब चाहिए तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया अगर आप उसको फॉलो करते हो तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली IT सेक्टर में जो स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे बच्चे इनको जापान जाना है, जापान जाना चाहते हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे आ रहे नंबर पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं कर सकते आप, सिर्फ व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँगा, कॉल नहीं लगेगा इधर। प्लस अगर आपको कॉल करना है तो मेरा जापान का नंबर है, लेकिन वही कॉल कर सकते हैं जो जापान में रहते हैं। तो मेरा जापान आने का मोटिव ये कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम समझना और कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ये, प्लस इनका बिजनेस स्टाइल मेरे को और डीपली जानना था, क्योंकि एक तो हम बुक में जापान को पढ़ते हैं और एक यहाँ पे आके आप फील करते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो भी यहाँ पे रहता होगा यार समझ सकता होगा कि यार लैंग्वेज तो इंडिया में रह के सीख सकते हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो यहाँ पे रह गई आती है यार। क्या जापान में पार्ट टाइम जॉब ईजिली मिल जाती है, किस टाइप का काम रहता है, इसके ऊपर मैं बहुत एक बढ़िया वीडियो बनाने वाला हूँ आने वाले टाइम में। और मैंने जापान में आके डिफरेंट सेक्टर्स में अच्छे से अच्छी बुरी से बुरी पार्ट टाइम जॉब करी है, इसका एक्सपीरियंस मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, लेकिन उसका वीडियो थोड़ा लंबा है तो आगे आने वाले कुछ ब्लॉग्स में उसको शेयर करते हैं। तो अगर आपको भी जापान जाना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आज के ब्लॉग में अगर आपको मज़ा आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।